एक खातून ने मुझसे कहा, औरत की आवाज का पर्दा है और आपकी आवाज तो मर्द भी सुनते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो मैंने उन्हें कहा कि आप सूरह अल-अहज़ाब 22वां पारा खोल के देखिए, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि आप नरमी से बात ना करो, लोचदार अंदाज में, नंबर एक। दूसरी बात यह कि औरत पर कब अल्लाह ताला ने पाबंदी आयद की है कि वो लोहे की दीवारों के पीछे कैद हो जाए? अल्लाह पाक ने कहा है वकुलना कौलम मारूफा, अच्छी बात करो। मैंने कहा आपको भी अल्लाह का हुक्म है कि आप भी अच्छी बात करें, कि अच्छी बात करने पे पाबंदी नहीं है, पाबंदी किसी और चीज पर है। इस आयत से अखज करके हमारे उलमा ने कहा कि औरत की आवाज का पर्दा है, औरत की आवाज मर्द के कान में नहीं पड़नी चाहिए। तो ये पाबंदी तो रह गई सिर्फ उन खवातीन के लिए जो अल्लाह ताला की बात करें, बाकी किसी पर हमारे उलमा ने वो शिद्दत इख्तियार ही नहीं की, पाबंदी रखी ही नहीं, हालांकि असल इसकी ये नहीं है। पाबंदी एक बराबर है हर तरह की खवातीन के लिए, और वो क्या है? वो बात कहो जो अच्छी हो। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तो जो पाबंदी का दायरेकार है ना, उस तक उसे महदूद रखें। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सच्ची समझ अता फरमाए।